नमस्कार, आप देख रहे हैं घमासान.com। मैं हूं आपके साथ दीक्षा भानप्रिय। आईएसआईएस से तार जुड़े होने की शंका में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड एटीएस ने महाराष्ट्र से 10 आतंकियों को गिरफ्तार किया था। इन संदिग्धों से हो रही पूछताछ में लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। हाल ही में इन संदिग्धों ने ऐसा खुलासा किया है जिसे सुनकर आप कांप उठेंगे। संदिग्धों के मुताबिक वो न सिर्फ महाप्रसाद में जहर मिलाना चाहते थे, बल्कि उनका प्लान मुंबई शहर की उन झीलों में भी जहर मिलाने का था जिनसे मुंबई के घरों को पीने का पानी सप्लाई होता है। एटीएस द्वारा दर्ज की गई चार्जशीट के मुताबिक आईएसआईएस समर्थक तलहा पॉटरिक नाम के आरोपी ने नरसंहार को अंजाम देने के लिए मुंबई के मुंबरेश्वर मंदिर के महाप्रसाद में जहर मिलाने की साजिश रची थी। आतंकियों ने महाप्रसाद में जहर मिलाने की जिम्मेदारी अबू को दे रखी थी। यदि आतंकवादी प्रसाद में जहर मिला देता तो लाशों के ढेर लग जाते। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अबू किताल आईएसआईएस के इशारों पर जहर बना रहा था जिसे मंदिर के महाप्रसाद में मिलाया जाना था। आतंकी अबू किताल मुंबई की महानगरपालिका में कर्मचारी रह चुका है और वो फार्मिस्ट भी था। अबू ने खास प्रकार के फॉर्मूले से जहर तैयार किया था जिसे मंदिर के प्रसाद में मिलाना था। उसने जहर तैयार कर एक बोतल में बंद कर दिया था। बताया जा रहा है कि अबू किताल को केमिकल साइंस और विस्फोटक की भी जानकारी थी। इनके प्लान में महाप्रसाद के अलावा मुंबई में पानी सप्लाई करने वाली झीलों में भी केमिकल घोलने की साजिश शामिल थी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नुकसान हो सके। इसके लिए इन आरोपियों ने कुछ झीलों की रेकी भी की थी। उन्होंने सेफ्टी के तौर पर सारा जहर का सामान एक जगह नहीं रखा था। इन आतंकियों से लगातार पूछताछ की जा रही है और पूछताछ में लगातार चौंकाने वाले मामले सामने आ रहे हैं और इन आतंकवादियों की ये जो हरकतें करने वाले थे वो सारी सामने आ रही हैं। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.